हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो क्लास तक बने रहिए, एक एक कांसेप्ट आपको सीख के जाना है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो क्लास तक मेरे साथ रहना होगा। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको व्हाट प्रॉब्लम स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कर रहा है? एक अनिमा है, वो एक नंबर सोचती है जिस नंबर को 5 से क्या करना है, 5.2 से सब्ट्रैक्ट करना है। पढ़िए उसको, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और उनका जो रिजल्ट आएगा वो नंबर के 3 टाइम आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कैसे। देखो पहले से पहले क्या करोगे, आप सोल्यूशन में क्या कर लोगे, जो पूछता है वही आपको लेट लेना है। तो क्या करोगे, लेट अनिमा अनिमा थिंग्स थिंग्स आ नंबर बी एक्स, मैंने क्या मान लिया कि वो क्या नंबर सोची है, एक्स सोची है। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, एक भी चीज है कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यही, एक एक लाइन पढ़िए। क्या कह रहा है कि अनिमा एक नंबर सोचती है, वो नंबर हमने मान लिया एक्स, इस नंबर की 5.2 सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, किसका 8 का। अब जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, इस नंबर का 3 टाइम हो जाएगा। मिल करके मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आएगी क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बता ही रहा हूँ आपको। चलिए आप जब दो इन दोनों का एलसीएम कर लो तो आपका क्या बन जाएगा, इसके यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम लिया जाएगा। इसका डिवीजन इसे करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स करो 2x, यहाँ से 2 से 2 का डिवीजन करोगे 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ -5, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 8, ठीक है। और यहाँ पर 3x, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 8, कितना आपको क्लियर होगा, 4 का मल्टीप्लाई दूसरे नंबरों से कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 4 2 8x, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे -20, और इधर क्या आएगा आपको 3x। आप करेंगे, अब यहाँ कुछ वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर लीजिए, नॉन वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए। तो ऐसे करोगे आप, देखो यहाँ पर 8x है, 8x है, 3x को इधर ला दो -3x, और ये 20 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। यहाँ से फिर किया आपने तो क्या आ गया 5x, और यहाँ पर आ गया 20, x इक्वल टू आ गया 20/5, इन दोनों को कैंसिल कर दोगे यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 5 5 4 20 4 आ गया, मतलब ए नंबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ क्या मैंने सही किया है। तो क्या कह रहा है, ये नंबर है, नंबर नंबर पे क्या करना है, नंबर 4 लिख लो, 4 माइनस का करना 5/2 करना है और मल्टीप्लाई 8 करना है तो 3 × 4 जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से करोगे आप, इस 8 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा 32 − 5 × 8/2, तो हो जाएगा 4 4, और यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे 32 और जो हो जाएगा आपका 20, और 32 में 20 का माइनस कर दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा 12, मतलब हमारा नंबर सही है, ठीक है। तो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, पहले रीड कीजिए। कह रहा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, बस इतना ही आपको, अगर इतना बोल दिया तो आप एक केस समझ जाइए कि जो अनदर नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं। लेट another number b x, क्या मान लोगे आप, x मान लोगे। देखिए तो क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, अभी मैं एड नहीं किया, रिकॉर्डिंग के बाद रेड होता क्वेश्चन, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, तो क्या हो जाएगा, एंड पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव नंबर इज 5 प्राइम अनदर नंबर, अनदर नंबर कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्राइम अनदर नंबर। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ 21 एट बोथ द नंबर,
अगर 21 both the number पे add कर दिया जाए, then one is new number become twice the another new number. ठीक है, positive number is 5 times another number. तो what is the number? तो हमने क्या मान लिया, वो number क्या है हमारा x, और जो another number को मान लिया x, तो वो positive number क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसी को फाइंड करना, 5x. अब क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों में क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका x, और अनदर नंबर कितना होगा x. ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों में इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 दोनों नंबर पे ऐड कर दिया जाए, x में भी 21 ऐड कर दिया जाए और 5x में भी 21 ऐड कर दिया जाए. ठीक है, ऐड कर दिया, जो न्यू नंबर बिकम ट्वाइस दी, अब जो नंबर नया नंबर मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा तो क्या नंबर मिलेगा, ध्यान देना, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस दी अनदर नंबर, अगर जो नया नंबर बनेगा तो दूसरे नंबर के क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा. मतलब हमारा जो ऐसे पढ़ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 5x लिख रहा हूँ प्लस 21 कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x प्लस 21 कर रहा हूँ. फिर से रीड कीजिए एकदम अच्छे से, समझिए, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, मतलब जो हमारा नंबर है वो तो दूसरे नंबर के ट्वाइस के बराबर हो जाता है. ठीक है, अगर वन ऑफ द न्यू नंबर, जो हमारा न्यू नंबर बना है, तो अनदर अदर नंबर के ट्वाइस के बराबर हो जाता है, क्योंकि अदर नंबर तो यही है, तो अदर नंबर का अदर नंबर भी लीजिए, एक ही चीज है. ठीक है, अदर नंबर का अदर नंबर एक ही चीज है. अब इतना पता चल गया तो अब हमको ये क्वेश्चन नंबर पता करना है. ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, 5x प्लस 21, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x और प्लस 51. ठीक है, 2x को आप इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2x, और ये हो जाएगा 40, सॉरी 2 है यहाँ पे, तो 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा 21, लास्ट करोगे तो 3x आ जाएगा बराबर 21 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 21 अपान 3. कैसे कर दिया, x को कितना आ गए 7 आ गए, 7 आ गए. ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई, मतलब ये क्या आ गया, अनदर नंबर आ गया. क्या आ गया, अनदर नंबर आ गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझना. और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एंड पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव नंबर, इसी को पूछ रहा क्वेश्चन में, बात याद रखना, नंबर कितना हो जाएगा 5 × 7, मतलब कितना हो गया 35 हो गया. अब चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है जो पॉजिटिव नंबर है वो उसका 7 टाइम मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा. अगर देख यहाँ 5 है मल्टीप्लाई 7 कर दो, प्लस 21 कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो 2, और यहाँ पर 7 प्लस 21, देखो इन दोनों को करोगे तो हो जाएगा 35 प्लस 26, यहाँ पर करोगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर 28, और 28 उनका कितना हो जाएगा 56, 20 ये हो जाएगा आपका 14, और जो हो जाएगा आपका प्लस 52, इन दोनों को सम कर लिया तो हो जाएगा 5, और हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, 56 हो जाएगा. और यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 है. ठीक है, यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, ये 56, मतलब दोनों नंबर हमारे दोनों साइड सही आ गए. ये मैंने चेक किया, इस तरह से लगाना है, एकदम बहुत अच्छे से समझना. ये जो हमारा नया नंबर है, न्यू नंबर ठीक है, न्यू नंबर है वो अनदर नंबर के ट्वाइस के न्यू अनदर नंबर. ठीक है, कि क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है अगर जब हम 21 ऐड कर देता. ठीक है, तो इतना दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. अगर समझ में नहीं आया एक बार इसको और देखिएगा, आराम से समझ में आपको आ जाएगा. अब बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर थर्ड. जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को
कम से कम से दो से तीन बार आप उसको रीड कीजिए, समझिए उसको कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ, सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ दी डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट ले लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। हम लेट क्या लेते हैं, समझना बात को, लेट क्या लेते हैं कि लेट टू डिजिट नंबर, क्या ले लेते हैं, लेट टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर कैसा होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना, 10x + y, मैंने ऐसा लिख लिया 10x + y लिख लिया, ठीक है, 10x + y या 10y + x लिख लो, कोई बात नहीं, जो भी लिखना हो लिख लो। तो देखो यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है आपका यूनिट प्लेस, ये क्या होता है आपका यूनिट प्लेस होता है, और ये जो बाई है आपका, ये आपको लगेगा 10th place हो जाएगा, 10th place, ठीक है। इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये टू डिजिट हमारे कौन से हो गए, टू डिजिट टू नंबर से कितने हो गए, ये हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, सम ऑफ दी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर इज 9, टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब जमा से जो एक्स और प्लस वाई है उनका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 - x आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो आपका यूनिट प्लेस था, यूनिट प्लेस समझ गया, यूनिट प्लेस था वो आपका एक्स था, और जो आपका टेंथ प्लेस था, टेंथ प्लेस वो आपका हो गया 10 + y = 9 - x। अब ये सब मैंने बना लिया है, अब इन्हीं का यूज करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये सारी बातें वो बोला है कि दोनों का समीशन डिजिट के तौर पर, तो 9, यहाँ से मैंने 10 डिजिट की वैल्यू निकाल लिया, कितनी आ गई, 9 + 9 - x। अब देखो क्वेश्चन में कहता है आगे, समझना, सवाल टू टू नाइन वे इंटरचेंजिंग डिजिट, अगर इनके डिजिट का इंटरचेंज कर दें, क्या करते हैं, इंटरचेंज दी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, समझना बात को। अगर देखो पहले हमारे पास क्या था, पहले आपके हमारे पास एक्स था, यहाँ पे वाई था, तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर 10x + y, तो हम चेंज क्या कर देंगे, 10y + x कर दिया, ठीक है, 10y + x कर दिया। आगे खुद ही पढ़ते हैं, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, मतलब जो नंबर हमारा न्यू नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होता है, मतलब हमारा जो ये नंबर मिला है वो इस नंबर से 27 बड़ा होता है, जिस नंबर से बड़ा होता है उस नंबर पर 27 हम प्लस कर देंगे। अब दोस्तों बस इतनी कहानी है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर दी नंबर, नंबर क्या होगा। अब देखो जहां पर आपने क्या लिख दिया, 20+ लिख दिया, यहाँ पे 10x लिख दिया, और ये y के प्लेस पे y की वैल्यू लिख दो, कहाँ पे निकाला आपने, ये निकाला है, क्या निकाला आपने, 9 - x + 27 बराबर यहाँ पे 10, और y की वैल्यू देखो क्या है, 9 - x, ब्रैकेट लगाते चलना, फिर आपका प्लस x, ये हो गया। अब देखो यहाँ से देखो भैया, ये माइनस कर दोगे तो 9x + 9 और प्लस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 10 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10 90 हो जाएगा, और इस 10 का x की तरफ करोगे तो -10x हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से करो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से करोगे तो आपका आ जाएगा 90 - 9x आ जाएगा, तो 9x इधर है तो आपको इस साइड का आना, तो 9x हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो प्लस 9x, और ये दोनों को इस साइड कर दो कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 90 लिख दो और फिर
माइनस 36 मिलेगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 18x बराबर, इन दोनों को माइनस करके लिखोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर आप माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 54। तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 18 और त्रिज्या त्रिज्या क्या हो जाता है x की वैल्यू कितनी आ गई 3 देन y की वैल्यू निकालो तो क्या है आपका 9 माइनस x x का मतलब 3 तो क्या हो जाएगा 6। तो ये आ गया बाई की वैल्यू आपकी 6। देन नंबर क्या होगा देन, अच्छा यहाँ पे लिख दिया बाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया आपका। चलो अब क्या निकालेंगे देन नंबर क्या होगा आपका देन टू डिजिट नंबर। बच्चों ये याद रखना टू डिजिट नंबर नंबर देखो टू डिजिट नंबर आपने क्या माना था 10 बाई प्लस एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा 10 और देखो y की वैल्यू क्या निकाला आपने 6 प्लस x की वैल्यू क्या निकाला आपने 3 तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 63 मतलब ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके रिवर्स करके फिर से देखिए 100% समझ में आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है तो चलिए 4 करते हैं। कैसे करेंगे जी हाँ दोस्तों बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपने थर्ड क्वेश्चन किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों बताऊंगा क्योंकि अभी आपको उसमें कुछ डाउट होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए ठीक है कर दिया लाइक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर दिया है और आप टू डिजिट नंबर किस बारे पूछ लिया टू डिजिट नंबर के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा अगर डिजिट पूछ रहा है तो क्या करोगे आप एक्स क्या मान लेंगे 10 बाई प्लस एक्स यही बताया था मैंने आपको अगले एक्स आपका होगा यूनिट प्लेस और ये आपका बाई हो गया आपका 10 प्लस ठीक है यूनिट प्लस हो गया 10 प्लस डिजिट हो गया ठीक है डिजिट 10 प्लस डिजिट डिजिट या यूनिट प्लस डिजिट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ टू डिजिट नंबर ठीक है इस थ्री टाइम अदर मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के थ्री टाइम। तो हमने मान लिया कि जो पहला नंबर हमारा है उसको मान लिया x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3y। समझना रहा फिर से समझो वन ऑफ दी टू डिजिट जो है उनमें से ऑफ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम अदर डिजिट इफ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब ठीक कितना होगा तो x बराबर ये है ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है इंटरचेंजिंग कर रहे चेंज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं डिजिट को डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर टू इंटरचेंजिंग डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर ठीक है तो बहुत अच्छे से समझना आराम से समझना ठीक है जब ध्यान दे रहा है इसको मैं क्या कह रहा हूं। तो पहला नंबर हमारा कह रहा है 10x टेन बाई प्लस एक्स था दूसरे ने क्या करा इसको चेंज कर दो तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। समझना बात को अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर ठीक है एट द रिजल्ट टी द नंबर ओरिजिनल नंबर ठीक है एट द रिजल्टिंग द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88 मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है जो इंटरचेंज किया गया नंबर है अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट कितना आता है 88 आता है। बहुत सारा कुछ यहीं से देखो आप देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 10 और बाई के यहाँ पर बाई लिख दिया और एक्स की जगह पर क्या लिख दो आप 3 बाई लिख दो ठीक है प्लस
टेन लीजिए आप एक्स की जगह क्या लिख दोगे आप थ्री बाई लिख दोगे, एक्स की जगह वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ पर लिख दोगे बाई बराबर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना होगा ये दोनों को प्लस कर दोगे तो 13 बाई होगा ठीक है, यहाँ पे करो कितना जाएगा 30 बाई प्लस बाई ठीक है। अब इन दोनों सबको प्लस करो कितना जाएगा 40 ये हो जाएगा और 40 प्लस 30 तो 44 बाई हो जाएगा इक्वल टू 58, तो बाई की वैल्यू कितना आ गया 88 अपॉन 44 बराबर आ जाएगा तो 2, तो बाई की वैल्यू आपकी आ गई 2, तो आप क्या निकालोगे x की वैल्यू क्या है 3 बाई है कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 मतलब x की वैल्यू भी आप निकल के आ गई 6 ठीक है। देन टू डिजिट नंबर क्या होगा, देन टू डिजिट नंबर विल बी क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया है 10 बाई प्लस एक्स, तो आप क्या कर दोगे 10 बाई की वैल्यू क्या आ गई 2 और एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो देखिए क्या कर दोगे आप 20 प्लस 6 बराबर 26। अब देखो क्या कह रहा था, ये नंबर और नंबर देखो ये नंबर होगा आपका 26 और इस नंबर के डिजिट को चेंज कर दो क्या हो जाएगा 62, मतलब जहाँ 6 था वहाँ पर 2 कर दो, जहाँ पर 2 था वहाँ पर 6 कर दो तो हो जाएगा आपका 88। तो देखो 268 और 268 हो गए दोनों साइड में सर, ये मैं यहाँ पर किया हूँ ये आपका चेक किया हूँ कि आपका आंसर यहाँ पे लिखोगे आप आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर दोस्तों समझ में आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जो मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 डालने वाला हूँ, तो जैसे ही डालू मैं आपके तक पहुँच जाए ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं, जी हाँ दोस्तों बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, सो जी हाँ दोस्तों बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा एज से रिलेटिव है इसको भी समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सोबू की एज प्रेजेंट एज है और उसकी मदर की एज का कुछ कंपैरिजन किया गया है, तो सबसे पहले पूछ रहा हूँ उनकी दोनों की एज बताइए, मैं बीच में भी क्वेश्चन बोल कर दिया हूँ जो प्रभाव का प्रभाव पर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आप एक सोबू को टारगेट किया उससे कंपेयर किया तो उसकी एज को प्रेजेंट एज को सपोज कर लीजिए, क्या करोगे आप लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोबू, सोबू को मान लिया बी एक्स ईयर, क्या मान लिया एक्स ईयर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ईयर ठीक है, कह रहा है हिज मदर क्या है 6 टाइम ऑफ सोबू एज, तो क्या करोगे हिज मदर्स एज ये सब प्रेजेंट में निकालना एंड हिज मदर्स एज क्या है सोबू की एज का 6 टाइम है, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा जो सोबू की प्रेजेंट एज है, सोबू की प्रेजेंट एज वो एक्स है और उसकी मदर की प्रेजेंट एज, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मदर की प्रेजेंट एज ही चल रही है, ये प्रेजेंट एज ही है ठीक है, ये आपका प्रेजेंट एज है ठीक है। तो ये हो गया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या कह रहा है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब इससे 5 साल बाद सोमू एज, तो सोमू की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5 हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर है क्या प्रेजेंट एज ऑफ मदर हिज मदर उनकी एज का 1/3 हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि जो 5 साल बाद जो सोमू की एज है प्रेजेंट में जो उसकी मदर की एज का 1/3 हो जाएगा, मतलब जो उसकी अभी एज है माँ की उसकी एज का 1/3 होगा। तो देखो एक्स प्लस 5 1/3 और उसकी मदर की एज अभी कितनी है 6 है ठीक है 3 2 2x हो जाएगा ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू
2x, 2x को इधर आप क्या हो जाएगा x माइनस 2x और 5 टू साइड जाएगा तो जाएगा 5 माइनस और यहाँ स्क्वायर करने का माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 5 तो x से x कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू आप निकल के आ रही है 5। तो किसकी एज है प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ सोमू की है ठीक है सोमू की और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी एंड हिज मदर इज हिज एज ऑफ मदर एज ऑफ मदर मदर की कितनी हो जाएगी तो मदर कितनी 6x है तो 6x की वैल्यू कितना 5 तो उसकी मम्मी की एज कितना हो जाएगी 30 ईयर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना। इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वीडियो के जरूरतमंद है ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।